मेरे बेटे नमाज पढ़ना। अब यहां रुकिए, अब्बा नमाज पढ़ते ही नहीं, अम्मी नमाज पढ़ते ही नहीं, बउआ सब नमाज पढ़ेगा? अरे बच्चे लोग नमाज पढ़ेंगे? और अगर बच्चे लोग मस्जिद में आते भी हैं नमाज पढ़ने के लिए और मस्ती करते हैं तो मुतवल्ली साहब उसको पीटते हैं, भगाते हैं, चल भाग, किसका बेटा है, कहा आता है रे, चल भाग। और जब इतना भगा देते हैं मार के तो वो कभी मस्जिद में नहीं आता, सिर्फ आगे चल के बुढ़ऊ लोगों को मजाक करता है, दादा दादा दादा। सही से वही स्टाइल में बात कर रहा हूं, बच्चे लोगों को मत भगाइए मस्जिद से, आज मस्जिद में आने दीजिए और मस्जिद में रोने दीजिए और मस्जिद में मस्ती करने दीजिए, आगे चल के मस्जिद को यही आबाद करेंगे। और बच्चे नमाज में भी मस्ती करते हैं, उसकी दलील है सुनन नसई किताब तत्वीक हदीस नंबर 1141। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आए, हसन या हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हसन या हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। आजकल अम्मी नमाज पढ़ती है तो बउआ पीठ पर बैठ गया, अब्बू नमाज पढ़ते हैं तो पीठ पर बैठ गया, तो कितने लोग बिच्छू काट कर चींटी काट कर भगा देते हैं इस तरह, वो कोने में भी जाता रोते रहता बब्बू अब्बू मम्मी, कोने में जाकर भी सुन लीजिए गौर से, बच्चे मस्ती करेंगे। अब यहां तो इमाम साहब की पीठ पर बैठ गए हैं, आज आप ही बताइए इमाम साहब अपनी बेटी को या बेटा को लेकर मस्जिद के अंदर आए और बेटा बेटी अगर पीठ पर बैठ जाए तो कल दूसरे दिन इमाम साहब को ही लोग निकाल देंगे और मना कर देंगे मत लाइएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अपने नवासे को लेकर आए, वो पीठ पर आके बैठ गया। छोटे बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है वो। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। ये छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए, लॉक लगा के दे दीजिए, वो आराम से खोल देंगे। खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? खोल देंगे, उनका दिमाग बहुत तेज रहता। और मस्जिद में ये आए हुए, वो गेम छोड़कर आए हुए भाई, बड़ी कुर्बानी देकर आए हुए। अब आप ही देखिए इतने बड़े मजमे में बच्चे लोग ज्यादा हैं या बुजुर्ग लोग हैं? बच्चे लोग, उनको मोहब्बत है भाई। आज बुजुर्गों दूसरे लोगों को कहां, अगर यही पैसा अगर मिलता होता 500 रुपया तो यहां पर जगह रहता कि नहीं रहता? फिर बोल भी नहीं कर रहे। अरे काहे नहीं बोलते हैं, जगह भर जाता, पैसा मिल रहा है। और जब नोटबंदी हुई थी तो पैसा लगाने के लिए बैंक के सामने निकालने के लिए धूप में खड़े थे कि नहीं थे? खड़े थे ना। पुलिस का डंडा खाया कि नहीं खाया? लाठी डंडा गाली धक्का मुक्की, पैसा पूरा खेल है पैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, पीठ पर आकर बैठ गए, बहुत लंबा सजदा हुआ। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ने रहा ही नहीं गया, सजदे ही में उठ के ताक लिया, ये क्या, फिर सजदे में चलेगा? आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जब इमाम साहब लंबा सजदा करे तो ऐसा मत कीजिएगा उठ के ताक लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जब नमाज खत्म हो गई तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या, बहुत लंबा सजदा हुआ, हम लोग तो घबरा गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल ذلك لم يكن ولكن ابني ارتهلني فكرهت ان اجله حتى يقضي حاجته। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा नवासा मुझे सवारी बना ली और मैं ऐसे ही रहा, इसे ये पता चला बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए, अगर होशियार बन के रहिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए बच्चे हमारे बिगड़ते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को दिन रात पीट रहे हैं, गाली बात दे रहे हैं, और कितने माँ बाप ऐसे बोलते हैं शैतान कहीं का, क्या बोलते हैं, शैतान कहीं का, शैतान, शैतान भी नहीं बोलते, शैतान कहीं का पागला, वही अंदाज से बात कर रहा हूं मैं, शैतान कहीं का पागला। मां बाप की दुआ भी लगती है, मां बाप की बददुआ भी लगती है, अगर शैतान बोलेंगे तो आगे शैतान हो जाएगा, अगर अल्लाह कबूल कर लेंगे पागल बोलेंगे तो आगे चल के पगला बन जाएगा। तो मां बाप अपनी जबान से कुछ ऐसी बात न निकाले जो नुकसान हो, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं। हम और आप बद्दुआ कर रहे हैं उनके लिए, जा तेरा जनाजा उठे पागला कहीं का। अरे जब अकल बट रही थी तो छन्नी लेकर खड़ा था का, ऐसी ऐसी बात करो।
अरे तेरे पास अकल कहाँ है, देख फलाने का बेटा कितना होशियार है, दुकान पर जाता है 10 रुपया लेके जाता है, सामान भी ले आता है और 10 रुपया वापस भी ले आता है, कैसा बुद्धू है तू। अरे फलनमा के बेटा को देख, 10 रुपया लेकर गया, सामान भी लेकर आ गया और पैसा भी वापस ले आया, सामान भी ले आया पैसा भी वापस ले आया, तू का किया। फलनमा बेटा की तरह देख, फलाने का बेटा कितना अच्छा, तो ये अच्छा है क्या? सामान भी ले आया और पैसा भी वापस ले आया, ये अच्छा है क्या? अगर ऐसे बच्चे आप तैयार कर रहे हैं तो ये चोर है और चोर बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और आगे चल के ऐसे बच्चों से इतना नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो बच्चे को चोर किसने बनाया? माँ बाप ने। कितने बच्चे ऐसे होते फिल्म उलम नहीं देखते, उनके माँ बाप ही दिखाते हैं फिल्म। कितने बच्चे ऐसे माशाल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं लेकिन उनके अब्बा दाढ़ी नहीं रखे हुए हैं, तो उनकी अम्मी मजाक उड़ाती, अब्बा मजाक उड़ाते, मुल्ला जी कहीं का, माँ बाप ही मजाक उड़ाते हैं, रे अभी दाढ़ी रख लेगा, शादी नहीं होगी तेरी। एक माँ ने कहा, अभी सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, एक माँ ने कहा मेरा बेटा पागल हो गया है, वो घर पे गाना वाना नहीं सुनता है, फिल्म उलम नहीं देखता है, टीवी को बंद कर दिया, मेरा बेटा पागल हो गया है। माँ ने कहा पागल है कि अच्छा बन गया भाई, सही बना, नहीं देख रहा है, उसको पागल बोलेंगे? तो माँ बाप खराब कर रहे हैं।